क्या कहा इस ब्रह्म ने, काल कहो ब्रह्म को, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है हे पुत्रो, यानी इनका पिता है ये काल, यहाँ शिव रूप में खड़ा है, शिव रूप में, यह कृत हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा? विष्णु जी को जो सतीची का विभाग है और ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति का विभाग है, कहते ये कृत आपने तप से प्राप्त किया है। हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत, यहाँ देखना, दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश से भिन्न है जो शिव प्राण का ये ज्ञान बोल रहा है। बस हमने इतना ही काफी था। अब ये गीता का ज्ञान भी इसी ने दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। यहाँ देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 19 पे 18 आपने पढ़ा था अभी, पृष्ठ नंबर आपने 18 देखा था, ये देखिएगा ये 18। अब हम इसको 19 पर पढ़ रहे हैं। ए सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई, मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल हो जाता है, इस कारण से उस ज्ञानी की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ओंकार यानी ओम, यह अभिमान का दूर करने वाला है। अब देखना ध्यान से, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। ओम मंत्र यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा आत्मा है, ये ओम का ओमकार, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है, ओम के जाप से काल का ब्रह्म का स्मरण होता है, उत्तर की ओर के मुख से अकार और पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान भी यही दे रहा है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता या भी कह रहा है कि ये सब एकीभूत होकर, एकीभूत है पुनस्त द्वो ओम तत् ओम इति एकाक्षरम भवत, इसमें ओम नमः शिवाय कितना नहीं है, इन्होंने ओम नमः शिवाय गलत बना रखा है, वो दिखाएंगे आपको केवल हिंदी वाली अनुवाद किए हुए में। इस ये संस्कृत है, एक ही भूत है, पुनस्तत् ओम ओम इति एकाक्षर भवत, इसमें कितने भी और ओम नमः शिवाय नहीं पाओगे, आपने देख लो कितने भी ओम नमः शिवाय नहीं है, ये सारा कुछ ये गलत आगे दिखाएंगे आपको, वो गलत कर रखे हैं।
यहाँ क्या लिखा है कि इस प्रकार पांच प्रकार से निर्गत हुआ, यह एक अक्षर होकर, यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग दो का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक परवण उत्पन्न हुआ ओम नाम। परवण मान, परवण भी ओम को कहते हैं। आकार आदिक से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, मकार से, सी बिंदु व नाद बिंदु से यह प्रकट हुआ है। आगे देखो, और इसी पंचाक्षर अक्षर से पांच भेद से मात्र का आकार से लकारण प्रणय हुए, इससे उससे शिरो मंत्र और चार मुखों से त्रिपाद गायत्री हुई है, उससे सब वेद उत्पन्न हुए, उससे करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इस ओम तय, और उस मंत्र से उसके कथानुसार सिद्धि होती है, ले इससे सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब सिद्धि होती हैं। अब यहाँ क्या बताया, गायत्री मंत्र से तो केवल कथानुसार सिद्धि होती है कथनानुसार, परंतु पंचाक्षर मंत्र ये ओम से सब सिद्धि होती है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है। कला सहित सब राज मंत्र साक्षात भोग देने वाले हैं, मोक्ष के नहीं है ये मंत्र। नंदीकेश्वर बोले, तब उन दोनों के गुरु शिव जी ने उन दोनों के सिर पर वस्त्र रखकर अपना कर्म कर कमल धारण कर पार्वती सहित उत्तर की ओर को मुख कल्पना कर उन दोनों को मंत्र दिया, ये उनको मंत्र दिए, नाम दिया। यंत्र तंत्र और युक्ति पूर्वक तीन बार उस मंत्र को उच्चारण कराकर मंत्र प्रदान किया। तब उन दोनों ने दक्षिण में उनको अपनी आत्मा निवेदन कर दी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इस प्रकरण से एक तो ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये कंप्लीट गॉड नहीं है, और ये काल कौन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, इनसे भिन्न है, इनका पिता है, इनका जनक है, सथूल शरीर इन्हीं से इनको प्राप्त हुआ, दुर्गा इनकी माता है, जो इस शिवजी रूप में प्रगट काल के साथ पार्वती रूप में कौन थी जो चले गई, वह खड़ी थी फिर ये चले गए दोनों, ये दुर्गा है, ये पार्वती रूप बनाकर और ये शिव रूप बनाकर विचरते हैं। कभी यही शिव ब्रह्मा रूप बना लेता है काल, और दुर्गा सावित्री रूप में इसकी पत्नी इसके साथ होती है, और कभी ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा लक्ष्मी रूप धारण करके इसके साथ विचरती है। तो ऐसे ये सबको गुमराह किए हुए है, सच्चाई से दूर रखता है, अपनी वास्तविकता भी नहीं इनको बताता है। अब इनको बता गया कि ओम नाम है, ओम मेरा मंत्र है, इसका जाप करोगे तो सारे भोग यहाँ की सुविधाएँ सिद्धियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। इन्होंने उसे डोड़े डोड़े शुरू कर दिए। अब थोड़ा सा गड़बड़ दिखाता हूँ कि कलयुगी अनुवादकर्ताओं ने कैसे गड़बड़ की। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण जो केवल हिंदी है, ये तो आप जी को दिखाई, इसमें तो संस्कृत साथ है, संस्कृत ने हमारे को क्लियर कर दिया कि इसमें ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, केवल ओम मंत्र ही पूजा के लिए प्रावधान किया है। ये देखिएगा शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके कौन है संपादक,
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं, ये इनकी ईमेल। इसमें आप देखिएगा चौबीस पच्चीस पृष्ठ पे वही प्रकरण है, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ, उनके बीच में यह विद्वेश्वर संहिता अनुवाद किया इन्होंने, केवल यहाँ पर ही संस्कृत नहीं लिखी है। ये 24 पृष्ठ पे इन दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में काल ने एक तेजो में सतम पिलर खड़ा कर दिया अपनी सिद्धि तय। फिर ये दोनों सोचने लगे ये क्या है, फिर उसके बाद ये काल प्रकट हुआ ब्रह्म विष्णु शिव रूप में, तो इसने क्या कहा, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले मेरे कर्तव्यों को जानना समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं बताता हूँ, कृपा कर पूर्वक उनके इसे बता रहा हूँ। आगे देखो, हम अपना जो मतलब है वो पूरा करेंगे। पुत्रो ये काल कह रहा है, वो हिंदी संस्कृत से ही तो आपने देखी थी, अब केवल हिंदी है ये। इसमें लिखा पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं। कहते हैं जूता भी तुम्हारा शीश भी तुम्हारा। अब काल कह रहा है कि तुम दोनों ने तपस्या की, तब से राज प्राप्त होता है, ये नियम है आका, और तुमने तपस्या की, तपस्या करने के बाद उस तपस्या के प्रतिफल में मैंने तुम्हें सृष्टि ब्रह्मा को और सतीथि विष्णु को दो कृत्य दिए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए, मैं नहीं यज्ञ शब्दों चाहिए। अब वो काल गीता ज्ञानदाता जो है वही अब यहाँ ज्ञान दे रहा है, ब्रह्मा और विष्णु महेश और रुद्र चार ये अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु ये दो हो गए, रुद्र और महेश ये दो अलग हो गए चार, और बोलने वाला इनसे अलग पांचवा मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। काल कह रहा है जिस रूप में खड़ा है वहाँ विष्णु शिव रूप में, कहता रुद्र और महेश को मैंने अपना ही रूप दिया है, यानी वो खुद अलग है। इति सिद्धम कौन, ये रुद्र और महेश के बारे में कह रहा है, वे रूप वेश कृत वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, ओंकार कहो से ओम कहो, जो मेरे स्वरूप का बोधक बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार ए शब्द का, अकार माने ए शब्द का, और पश्चिम मुख से उकार यानी ऊ अक्षर का, और दक्षिण मुख से मैं का, ए ऊ मैं मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर, इन सब का एक होकर यह परवण अर्थात